हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मीनूज लाइफ। कैसे हैं आप सब? मेरे सिर में कल से बहुत बहुत दर्द है। एक्चुअली जो वीडियो मैं अभी लेकर आ रही हूँ, यही वीडियो मुझे कल लाना था, बट मेरे सिर में इतना दर्द था, मेरी आंखें नहीं खुल रही थी कल से, और आज सारे दिन भी यही हाल था। बट अभी मैं शाम से, मतलब शाम 5 बजे से अभी तक, अभी रात के 9:15, मैं मेरी फ्रेंड्स के साथ थी, मतलब मेरी फ्रेंड, मेरे हस्बैंड, उन लोगों के हस्बैंड, ऐसे हम लोग सब लोग गेट टुगेदर हमेशा करते हैं। तो अभी 2 साल हो गए थे हम लोगों को गेट टुगेदर नहीं किए हुए, कोरोना, सिर्फ कोरोना की वजह से 2 साल के बाद हम लोग मिले, तो बहुत बहुत अच्छा लगा, मेरा मूड फ्रेश हो गया। सर में दर्द अभी भी है, एज़ यूजल दर्द है, बट मेरा मन अच्छा हो गया है, तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर ही लूँ, तो इसलिए मैंने अभी सोचा कि मैं कर लेती हूँ। तो आज का फिर से वीडियो है कदी और उसके भाई पर, और इन दोनों पर ही लगातार आते रहेगा। क्यों? इनके हेटर्स की वजह से। वो लोग आके हमें कमेंट्स करते हैं ना, तो जितना वो लोग हमें कमेंट करेंगे नेगेटिव, हम लोग वीडियो उतना ज़्यादा बनाएंगे। ये मैंने डिसाइड किया, मैं तो बनाऊंगी। अगर आप लोग मुझे नेगेटिव कमेंट ज़्यादा करेंगे तो मैं वीडियो बनाऊंगी उसके ऊपर, ठीक है। अब वैसे भी वीडियो बनाना बनता है, क्योंकि हम लोग जो हैं, हम लोग जो रिएक्शन वाले हैं ना, वो लोगों की आवाज़ हैं। हम लोगों के थ्रू लोग अपने मन की बात बोलते हैं और अपने मन की बात बताते हैं, हम लोगों के थ्रू, चाहे हमें स्क्रीनशॉट्स भेजते हैं या हमें बोलते हैं जाओ जाकर देखो दीदी वीडियो में उसने ऐसा किया वैसा किया, तो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो वीडियो है एक भुखड़ी के ऊपर। ये इतनी भुखड़ है, इतनी भुखड़ है, मतलब तुम्हारा पेट है या कुआँ है, पहले ये बता दो, तुम्हारा पेट है या कुआँ है। कितना खाती हो, कितना खाती हो, चलो अपने पैसे का ही खाती हो, कोई किसी को नहीं खिलाता है, अपने पैसे का ही तुम खा रही हो, मानते हैं हम अपने पैसे ही खा रही हो, लेकिन क्या तुम्हारे पैसे पर तुम्हारे बेटे का कोई हक नहीं है? क्या कोई हक नहीं है तुम्हारे बेटे का? उसको क्यों नहीं खिलाती हो? तुमने आज तक YT पर किया गया है, कुछ भी नहीं किया है, अपने बेटे और पति दो जन के नाम से तुमने कमाए हैं, ठीक है, बनी 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 करके बनी के नाम पे तुमने कमाया है। बनी की मुझे निशानी चाहिए थी। लोगों ने तुमसे सवाल उठाया कि जब तुम्हारा पति बीमार था तब तुमने बच्चा किया ही क्यों, तो तुमने क्या बोला कि मैं उनसे इतना ज़्यादा प्यार करती थी कि मुझे उनकी एक निशानी चाहिए थी, इसके सहारे मैं अपनी ज़िंदगी काट लूँगी, ठीक है। आपको आपका बेटा चाहिए था, निशानी बेटा नहीं, बेटा बेटी कुछ भी, मतलब एक बच्चा चाहिए था, ठीक है, आपने ये जवाब दिया था। पर तुम क्या कर रही हो, तुम तो अपने हस्बैंड से भी बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। अगर तुम अपने हस्बैंड से प्यार करती होती ना, तो उनकी निशानी को भी ना तुम बहुत अच्छे से संभाल कर रखती, पलकों पे रखती, पर तुम्हारा सारा प्यार ऑन कैमरा होता है, दिखावा का, लेकिन वो दिखावे का प्यार भी कभी कभी असलियत सामने आ ही जाता है। कल के ही वीडियो में हमने देखा, थंबनेल तो तुमने कसम खा रखी है मिसलीडिंग थंबनेल डालने की, चलो बेवकूफ़ बनाना तो तुम्हारा पेशा हो गया है जो तुम कर ही रही हो। कल की वीडियो में तुमने बोला मिठाइयाँ बांटूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, मिठाइयाँ खरीदी भी तुमने, समोसे भी खरीदे। तुम्हारा बेटा भूखा है, वो रो रहा है भूख से तुम्हारे सामने। अरे जानवर भी ना, पहले अगर कुछ शिकार करके लाता है या चिड़िया कुछ चुप कर लाती है, और वो जब सामने रखती है उसके बच्चे खाने लगते हैं ना, जानवर भी कुछ भी, तो पहले जो भूखी माँ होती है ना वो रुक जाती है, वो रुक जाती है कि पहले मेरे बच्चे खा लें फिर मैं खाऊँ। ये ऐसा तुम डिस्कवरी देखोगे ना तो तुम्हें दिख जाएगा। और आजकल तो डिस्कवरी देखने की भी ज़रूरत नहीं है, फ़ोन पर ही सारा कुछ है, यूट्यूब पे भी देख सकती हो, डिस्कवरी चैनल यूट्यूब पे खोल लो देख लो। बट तुम कैसी माँ हो कि तुम खुद खाए जा रही हो, बच्चा भूख से रो रहा है, मांग रहा है, उसे दे नहीं रही हो, और जब तुम उसके सामने समोसा ले जा रही थी, वो इतना बड़ा सा मुँह खोल रहा था बड़ी बाइट लेने के लिए वो बड़ा सा मुँह खोल रहा था, मगर फिर तुम खींच कर अपने मुँह में डाल ले रही थी। तुम्हें शर्म नहीं आई क्या थोड़ा भी ये सब करते हुए? तुम क्यों ऑन कैमरा ये सब करती हो? गालियाँ सुनने का मन करता है क्या तुम्हारा रिएक्शन वालों से? क्यों ऑन कैमरा ये सब करती हो तुम? तुम्हें तुम्हारे बच्चे को, तुम्हें पता है तुम्हारी ये सब वीडियो को अगर भेजकर चाइल्ड केयर कमेटी को दे दिया जाए तो तुम्हारे बच्चे को बहुत ईजीली उठाकर तुम्हारे सास ससुर के पास पहुँचा दिया जाएगा, क्योंकि तुम केयर नहीं कर रही हो तुम्हारे बच्चे का। बच्चा तुम्हारा कुपोषित है, अंडर एज, जितना उसका एज है उसके हिसाब से अंडर वेट है, वो ठीक से चल नहीं पाता है, ना बोल पाता है, अभी तक कुछ भी बोलना नहीं सीखा है। इतने एज में बच्चे कुछ ना कुछ बोलने लगते हैं, पर तुम्हारे बच्चे ने कुछ भी बोलना नहीं सीखा है। तुम्हारा बच्चा कुपोषित है, बच्चे का थोड़ा भी ख्याल नहीं रखा जाता है, ना उसे हेल्दी खाना दिया जाता है, ना टाइम टू टाइम नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं।
विदेशों में क्या होता है ना, टाइम टू टाइम जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, ऐसे इंस्पेक्शन टीम आती है, आकर बच्चों को पूछती है आपने क्या क्या वैक्सीनेशन कराया है, किस टाइम पर क्या देते हैं, और अगर कहीं भी उस टीम के जो मापदंड होते हैं ना, उन टीम पर अगर बच्चों का केयर नहीं किया जाता है ना, तो बच्चे को उठाकर संस्थाओं को दे दिया जाता है, चाइल्ड केयर कमिटीज़ वगैरह को दे दिया जाता है, ताकि बच्चों का अच्छा से ध्यान रखा जाए, जो कि हमारे इंडिया में तो खैर अभी नहीं है, ऐसा होना चाहिए। खासतौर से तुम्हारे बच्चे से ही इसकी शुरुआत होनी चाहिए जो तुमने किया है, ठीक है। घर लाकर तुमने क्या किया कि घर लाकर तुम थाली में सारी मिठाइयाँ निकालती हो और खुद खाने बैठ जाती हो। तुमने किचन में तो बड़े अच्छे से दिखाया कि तुम्हारी माँ ने क्या बनाया है क्या नहीं बनाया है, बट तुमने तुम्हारे बच्चे को कुछ भी नहीं, यहाँ तुम्हारी माँ परेशान है कि बच्चा बीमार है इसलिए मैं खिचड़ी बना दूँ हल्का, पर तुम्हें तो खुद की मिठाई सूझी हुई थी, तुम्हारा खुद का पेट कभी नहीं भरता, पता नहीं कुआं है खाई है तुम्हारे पेट में क्या है, खाती रहती हो, खाओ ना खाओ अपने पैसे की खाओ जो करो करो, बट कम से कम बच्चे के सामने मत खाओ, अगर उसे नहीं खिलाना है तो। वो मांगता रहता है पर उसे तुम देती नहीं हो, तुम मतलब कैसे रहा जाता है। एक औरत तो, मतलब जो बच्चा पैदा कर देना बहुत बड़ी बात नहीं है, जानवर भी बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन फिर भी जानवर माँ बनने के बाद ना जानवर भी पहले बच्चों को खिलाते हैं, लेकिन तुम इतने स्वार्थी हो, तुम्हें अपने पेट के आगे, अपनी सोच के आगे, अपने आगे तुम्हें कुछ नहीं दिखता है, कुछ भी नहीं। तुमने किस तरह से घर लाकर ये नहीं दिखाया कि बच्चे को मैं पहले खिचड़ी खिला दूँ, मेरा बेटा बीमार है, उल्टा तुम तो चिल्ला रही थी खाने देना, इतने जोर जोर से तुम अपने बच्चे पर चिल्ला रही थी वहाँ पर, जब वो मांग रहा था तुमसे, रो रो कर मांग रहा था वो, क्योंकि उसे तो बोलना नहीं आता है, रो रो कर मांग रहा था। बच्चे के चेहरे पे एक शिकन भी आए ना तो माँ पहचान जाती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बच्चे को क्या तकलीफ है, भूख लगी है प्यास लगी है, बच्चे के चेहरे को देखकर माँ भाप जाती है। पर तुम्हारा बच्चा तो रो रो कर तुमसे मांग रहा है, पर फिर भी तुम्हें खुद की पेट की पड़ी हुई है, खुद की आग नहीं बुझ रही है पेट की, तो तुम उसके ऊपर चिल्ला रही हो खाने देना मुझे खाने देना टाइप से, और घर आके भी खुद ही खाने बैठ जाती हो, बाहर से आके ना हाथ मुँह धोना है ना कुछ करना है, बस गंदा संदा खाना, गंदा संदा ये छी, तुम्हारी गंदगी से तो लोग परेशान हैं, लोग तुम्हें बोलते रहते हैं नहा ले रे बेशरम नहा ले, कपड़े बदल ले, पर तुम सफाई देती फिरती हो। मैं तो नहाती हूँ, मैं दिन में 2 बार नहाती हूँ, मैं रात को भी नहाती हूँ, मैं नहा बिना नहाए मैं सोती नहीं हूँ, कितना बड़ा जोक मारती हो तुम। नहाने के बाद कोई कैसे वही कपड़े पहन लेता है जिस दिन भर गर्मी में पसीने में धूप में, तुम तो इतनी बड़ी भुक्कड़ हो, घर के लिए पनीर लाना होता है तो तुम वहीं पर बैठ कर पनीर खोल कर खाना शुरू कर देती हो। तुम्हारी एक्टिविटीज ऐसा लगता है ना जैसे तुमने कभी कुछ खाया ही नहीं है। और गई थी 5-स्टार होटल में पार्टी करने, 5-स्टार होटल, वो 5-स्टार था, 5-स्टार था। उसके लिए तो अगर मैं बोलने लग जाऊँ तो हद हो जाएगी, फिर चिड़ी जाएंगे सभी लोग, क्योंकि 5-स्टार के नाम पर बहुत लोगों ने बहुत कुछ काटा है, तो उसके नाम पर तो लोग हंसने ही लग जाएंगे। खैर तुम्हारी मर्जी, तुम जो करो, पर तुम बच्चे का ख्याल रखो। अगर तुम बच्चे का ख्याल नहीं रखोगी तो मैं पर्सनली चाइल्ड केयर कमेटी को तुम्हारे वीडियोस उठाकर दे दूंगी, तुम्हारे घर का पता बता दूंगी, क्योंकि तुमने तो ओपन अपने घर का पता बता ही दिया है। हाँ तुम्हारे घर का पता क्या है वो तो तुमने बता ही दिया है, एकदम ओपन तुम पहचाना जाओगे। जिस तरह से तुम घूमती रहती हो ना, तुम और तुम्हारा पूरा परिवार उस एरिया में पहुँच कर तुम्हें कोई भी आसानी से खोज लेगा, और वहाँ से मैं तुम्हारा बच्चा उठवा दूंगी। मैं सच बोल रही हूँ, मैं तुम्हारे बच्चे को चाइल्ड केयर कमेटी के वहाँ पर खबर दे दूंगी, बिल्कुल खबर दे दूंगी कि भैया वो भी दिल्ली, क्योंकि तुम लोगों का एरिया अगर देखेगा तो वो दिल्ली का चाइल्ड केयर कमेटी देखेगा, अगर तुम लोगों का एरिया कोई देखेगा तो सीधे मैं वहाँ मेल करूँगी, फ़ोटो भेजूँगी, लिंक भेजूँगी तुम्हारी वीडियो का, और उसके बाद एड्रेस तो तुमने खुद ही अपने बहुत सारे वीडियोज़ में बताए हैं, तो वो तुम्हें खोजते हुए वो लोग तुम्हें वहाँ पहुँच ही जाएंगे, और एकदम पहुँच जाएंगे। उसके बाद अगर तुम्हारा बच्चा तुमसे छिन जाए तो मुझे ब्लेम मत करना, क्योंकि तुम अपने बच्चे का ख्याल नहीं रखते हो, और मैं तो सीधा बोलूँगी कि इसके बच्चे को उठाकर इसके दादा दादी के पास दे आइए, इसके दादा दादी रख लेंगे ख्याल इसका, क्योंकि तुम्हें सिर्फ सबको यूज़ करना है। बच्चा भी तुम इसीलिए लेकर आई थी कि तुम्हें बच्चे के नाम पर कमाना था, सब कुछ तुम्हारा प्री प्लान था, इसीलिए तुमने लोगों को शुरू में ही बेवकूफ़ बनाया कि मुझे सपोर्ट कीजिए मेरे लिए वीडियो बनाइए, और वो सब लोगों ने जब तुम्हें सपोर्ट किया तो तुमने सबको साइड कर दिया अपनी कंगाल फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए। तो बच्चे का ख्याल रख, तू समझ में आया, तू बच्चे का ख्याल रख, समझी।